नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और आज का हमारा ब्लॉग है जो है हमारा ब्रिटिश हुकूमत में बने जो ऐतिहासिक इमारत है, वो भी हमारे यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर दूर है, बावन रोड पर स्थित है। वो आपके जो ऐतिहासिक इमारत जो है, जो भी ऐतिहासिक धरोहर है ब्रिटिश हुकूमत में बनी हुई थी, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और संभव हो सके तो शेयर करें, धन्यवाद। और इस समय हम लोग हैं हरदोई नुमाई चौराहे पे और यहाँ का कुछ वातावरण इस प्रकार से नजर आ रहा है। और इस समय समय हो रहा है करीब 12 बज रहा है, समय हो रहा है 1 बज रहा है, 12 नहीं 1 बज रहा है। और यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ और फिर बताते हैं आपको आगे का क्या प्लान है हम लोगों का। तो फिर हम यहाँ से निकलते हुए देख सकते हैं इस समय हम लोग निकल चुके हैं आगे ट्रैवलिंग करने के लिए। और जो नज़ारा है वो अल्टीमेट नज़ारे हैं यहाँ के, मजे आ रहे हैं। और हमारा जो फ्रंट कैमरा है वो बेकार हो चुका है, इसलिए हम लोग बैक कैमरे से शूट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक विडम्बना हुई है कि कोई भी मेरे साथ में नहीं आया है, मैं और मेरा भाई साथ में जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, अदरवाइज कोई भी नहीं साथ आया। एक का गाड़ी धुलाना था, एक के घर में कोई नहीं था इसलिए वो नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, हमेशा मैंने ये मान के चला है कि सच्चाई के पथ पर अकेला ही चलना पड़ता है, इसलिए मैं अकेला ही चला जा रहा हूँ। और देख सकते हो वीडियो में प्यार बनाए रखें आप लोग, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि वीडियो में जितना लोग प्यार बनाए रखेंगे उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। आज का हमारा ब्लॉग है ब्रिटिश हुकूमत में बने खंडहर। पॉलिटेक्निक कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये गेट नंबर 2 है। और कॉलेज आप देख सकते हो, कॉलेज के अंदर हम लोगों को जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं जा। तो गुड आफ्टरनून गाइस, अब हम लोग हरदोई से चले हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने कवर। पीछे आप देख रहे थे बिल्डिंग, वो पॉलिटेक्निक है, यहाँ पर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के थ्रू आप आगे जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और ये काफ़ी बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर गेट नंबर 2 पे हम लोग खड़े हुए हैं। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक और थोड़ा सा हॉरर भी होने वाला है, बिकॉज ऑफ कि जो ब्रिटिश पीरियड में जो खंडहर वहाँ बनाए गए थे, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, वहाँ के लोगों का, वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ हॉन्टेड प्लेस है, वो भूती साया रहता है। तो वो भी आज हम लोग देखना चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे वीडियो में। आप देखिएगा, डरिएगा मत, देखिएगा। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ जाके, देखते हैं कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। यही हरदोई का हिसार इंटर कॉलेज है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, देख सकते हो आप लोग। आप लोग देख सकते हो जैसा कि हम लोग चलते हुए चले जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से 52 अंदर हैं, उसकी दूरी 5-4 किलोमीटर बची हुई है। और देख सकते हो भाई मेरे साथ में है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। देख सकते हो हम लोग 52 वाली नहर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो दृश्य है वो अद्भुत, अद्भुतम अदलुल्लु है, मतलब एकदम खतरनाक व्यू है। और यहाँ करीब बजा है, टाइमिंग हो चुका है 1:38 हो चुका है टाइमिंग और हम लोग 52 वाली नहर में पहुंच चुके हैं। यहीं से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उधर साइड में ब्रिटिश हुकूमत ने बने हुए खंडर। और वो कुछ उधर साइड में, तो उधर साइड के लिए जाने के लिए भाई गाड़ी मुड़ा रहा है और भाई के साथ मैं बैठता हूँ।
और भाई के साथ मैंने गाड़ी पे बैठ लिया है जैसे देख सकते हो आप लोग, और आगे की तरफ हम लोग। और यहाँ का जो रास्ता है वो ऑफ रोडिंग है, जैसे रोड आप देख सकते हो बट इतना अच्छा रोड नहीं है, इसीलिए इसे मैं ऑफ रोडिंग बोल रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सच में सुनसान इलाका है, मुझे डर तो नहीं लगता है पर थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है क्योंकि ये सच में सुनसान इलाका है। यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और आप लोगों को दिखाते हैं ब्रिटिश हुकूमत में बने जो खंडर, और बाबा से बात करते हैं। बाबा बाबा डर के भाग चुके हैं। बाबा रुकिएगा, बाबा और बाबा डर के भाग रहे हैं। आइए बाबा से बात, चलो 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 भैया चलो। अरे बाबा हमको ये बताइएगा ये जो खंडर बने हैं ये कितने साल पुराने होंगे? बता ना बाबा आप कहाँ यहीं रहते हो कि कहीं बाहर रहते हो? सोहरा में रहते हो, फिर भी आपको खंडर के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो बताइएगा। मतलब ब्रिटिश हुकूमत में बने हुए खंडर है ये, और ये हॉन्टेड प्लेस भी है बाबा? मतलब हॉन्टेड प्लेस, भूतिया भूतिया स्थान है क्या ये? यहाँ भूत उत लगते हैं बाबा? कोठी है ये नहर की। जैसा देख सकते हो बाबा ने बताया कि यहाँ इस समय कोई नहीं रह रहा है और सब लोग अपने मकान पे रह रहे हैं। और बाबा ने डर लग रहा था, रिस्क लिया, काफी दूर जाके साइकिल रोका बाबा ने। और ये हॉन्टेड प्लेस है, सच में ये हॉन्टेड प्लेस है। और दिखाते हैं, डर लग रहा है भाई मेरे। अरे अरे भाई मुझे भी डर लग रहा है, चलो चलते हैं देखते हैं यहाँ का हॉन्टेड प्लेस। छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई भी होगी, हम लोग अपने रिस्क पर आए हुए हैं। देखिएगा दरवाजे पे चारों तरफ पत्थर लगा के रखे हैं, हम लोग अपने रिस्क पर आए हैं यहाँ पर। और जो भी हरदोई के ब्लॉगर हैं यहाँ पर आने की भूल ना करें, क्योंकि अपने रिस्क पर यहाँ पर आए तो यहाँ पर आए, वरना यहाँ पर जान जोखिम में आप लोग डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के साए, जैसे कि देखिएगा ये दरवाजा है इसमें कहीं पर लॉक नहीं है और फिर भी ये लॉक है, देख सकते हो आप लोग। और आगे की तरफ दिखाते हैं छोटे छोटे से खंडर में, और ये खंडर। अरे भाई भाई भाई, भाई तूने खींचा क्या मुझे? नहीं भाई मैंने नहीं खींचा यार। अरे भाई भाई भाग यहाँ से, भाग भाई 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 कोई तो है यहाँ, भाग 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 भाग, रुक 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 भाग। चोट लग चुकी है कुछ तो, यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है ऐसा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। Thank you.
जैसा कि अभी हम लोगों ने मेन आपको दिखाया, मेन बिल्डिंग दिखाई, इसके आसपास के जो सप्लीमेंट्री बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको खंडहर दिखाते हैं। पूरी तरीके से वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं इस समय। और अभी कुआं जो दिखाया वो पूरी जर्जर हालत में है। यहाँ पर पूरी तरीके से लॉक लगे ताकि कोई अंदर ना जा सके। ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से पत्थर लगा दिए गए हैं कि कोई अंदर एक्टिविटी ना हो सके। और यहाँ पर रात में खटखटाने की आवाज आती है। बाबा ने अभी बताया, जैसा कि यहाँ के लोकल्स लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर रात में खटखटाने की आवाज आती है, कुछ लोगों के रोने की भी आवाज यहाँ से आती है, इसी में से अंदर से आती है। इसीलिए रात में यहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, एक परिंदा भी पर नहीं मारता है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि चारों तरफ ही पूरा पूरी तरफ वन जंगल झाड़ियां सब उगी हुई हैं, हर जगह वीरान पड़ा हुआ है। और जैसा कि आप बताइएगा सर, वो सामने वाला जो खंडर है उसके बारे में कुछ बताइएगा। वो मेन किला लग रहा है, जैसे कि बाकी हवेली हम लोगों को दिखाई दी है, वो हवेली दिखाई दी है, बट ये मेन किला लग रहा है, तो इसके बारे में भैया बताइएगा। जरा आगे चलिएगा और संभल के चलिएगा, यहाँ पर सांप कीड़े बिच्छू इत्यादि काफी कुछ हो सकता है, क्योंकि देख सकते हो काटा भी है तो वो मर भी गए हैं, ये भी बताया बाबा ने। और यहाँ पर जो बताते हैं, जैसे जो मेन बिल्डिंग थी वो इंट्रेंस हुआ करता था, और उसके बाद जो ऑफिशियल वर्क करते थे ब्रिटिश हुकूमत में लोग, वो यहाँ पर ये खंडहर है। ये देखिए जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर ऑफिशियल वर्क हुआ करता था, ऑफिस वर्क वाला जो भी चीजें हुआ करती थी, अपना लिखा पढ़ी का वो सारी चीजें हुआ करती थी। कंडीशन की चर्चा है, बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं डर।
मना किया था कि इस खंडहर में मत आइएगा और बाबा कुछ देर के बाद डर के चले गए थे। बाबा आप डर कर क्यों चले गए थे? क्या यहाँ कोई भूतिया साया रहता है बाबा? नहीं, भूतिया साया क्या रहता है? साया रहता है भूतिया? भूतिया साया रहता है यहाँ, मतलब रात में भी आने पर लोग डरते हैं। बहुत डरते हैं रात में आने पर, डरते हैं। और बाबा यहाँ पर दिन में खड़े हुए हैं, रात में ये बाबा खुद नहीं यहाँ पे आते हैं। उन्होंने भी कोई नहीं भैया लोग अभी नहीं, भूतिया है वो जंगल है ये। मतलब बाबा ने बोला, बाबा की खुद आंखें की आंखें फटी रह गई हैं, यहाँ पर भूतिया है, सच में यहाँ भूत है। रात में कोई नहीं आता है, दिन के समय बाबा यहाँ पर अपने गोरु मतलब गाय भैंस बकरी आदि इत्यादि चीजों को चराते हैं और दिन में यहाँ पर लोग आते हैं, रात में यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। और बाबा भी डरे हुए और सहमे हुए हैं। बाबा वीडियो बनाने से रोक रहे थे, कह रहे थे कि हमारे साथ कुछ दुर्घटना ना घटित हो जाए, पर भगवान की दुआ से ऐसी कोई भी दुर्घटना घटित नहीं हुई है और बाबा का बिहेवियर बहुत अच्छा है। बाबा आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरे राम। हरे राम बाबा है, पूरा नाम बताइएगा। हरे राम।
यहाँ की डैम है यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हो इस प्रकार से पानी लोहे की डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इधर से उधर तक। और ये सब डैम है, चैनल है ये, और ये इस समय सूखी पड़ी है नहर, देख सकते हो। और जो मेन चैनल है वो इधर है, वो खुले पड़े हैं मेन चैनल, बट पानी नहीं आ रहा है इस समय नहर में। और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर हम लोगों को। और ये बालू का अवैध खनन हो रहा है, देख सकते हो। सरकार संज्ञान में नहीं इस मामले को ले रही है, बट यहाँ ये अवैध खनन हो रहा है। हरदोई के हमारे DM है मंगला प्रसाद जी, कृपया कर इस पर ध्यान दें और अवैध खनन को रोके। यहीं से देखिए अवैध खनन हो रहा है, काफी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है, देख सकते हो आप लोग बालू का अवैध खनन। ये लीगल नहीं है, इलीगल काम है, ये चोरी छिपे हो रही है और सरकार भी कान मूंदे हुए बैठी हुई है। तो फिर भाई आपको कैसा लगा यहाँ आके बताओ भाई? काफी अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा डर भी लगा जब हम लोग वहाँ पर जाके पूरा तरीके से एग्जामिन किया जाके उस खंडर को, और जाके हम लोगों ने पूरा ब्लॉग शूट कर दिया है। अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी हम लोग घर जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, और बहुत ही अच्छा वीडियो आएगा नेक्स्ट। खंबा गणी, और देख सकते हो यहाँ पर बहस हो गई है कि आगे आप अपनी गाड़ी बढ़ाओगे तभी हम अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे, अन्यथा हम गाड़ी नहीं बढ़ाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो 3-4 ट्राली लगातार खड़ी हुई है अवैध खनन करते हुए बालू का। और ये भैया थे जो हाय कर रहे हैं, और एक ये भैया है हाय,